डॉक्टर साहब आई एम सॉरी मुझे आने में देर हो गई, आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? दिस इज नॉट फेयर पाशा साहब, आपको मुझे पूरी बात बतानी चाहिए थी। पूरी बात? आपने कहा था कि आपकी बेटी को सिर्फ थोड़ी सी काउंसलिंग की जरूरत है। तो आपकी मुलाकात ही हुई उम्मीद से? मुलाकात? अरे बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग कर निकला हूँ मैं। आपकी बेटी मुकम्मल तौर पर पागल है, आप प्लीज पहली फुर्सत में उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं। डायरेक्ट कह दिया आपने मुझे, उम्मीद। उम्मीद, कोई लिमिट है तुम्हारे बचपने की? बादशाह साहब जाने दे, वो समझी कि रिश्ता लेकर आए। लाहौल वाला कुंवर, यानी रिश्ता लाने वालों के साथ हमारे घर में ये सलूक होगा? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि जो हुआ गलत फहमी की वजह से हुआ, और आपने भी साइकियाट्रिस्ट बुला लिया। ये देखें, हमारी बच्ची पागल तो नहीं है। जानता हूँ कितनी। आई एम सॉरी बादशाह साहब, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मुझे तुम्हारी सॉरी की जरूरत नहीं है। चाचू अब क्या होगा? भतीजी तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूं ना, मैं बात करता हूँ। चाची मैं आपको बता रही हूँ, अगर इस दफा पाश साहब ने मेरे साथ कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की ना, तो मैं अपने 1 करोड़ लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाऊंगी और फिर यहाँ पर कभी भी नहीं आऊंगी। नहीं नहीं भतीजी, ऐसे कैसे हैं? और भला तुम अकेले कैसे रहोगी? किसने कहा आपको कि मैं अकेले रहूंगी? आगू जान के साथ रहूंगी, उनको भी लेके जाऊंगी। आप करें इस मसले का कोई ना कोई हल।